दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनु और आपका स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। हम लोग आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर जाने वाले हैं, जहां से आप जाके बाइक या कार या जो भी सेल्फ ड्राइव कार हो वो आप लोग रेंट पे ले सकते हो और आपका जहां मन हो वहां पे आप घूम सकते हो। तो जो पटना आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट या एज किसी काम के लिए और यहां पे अपना जैसे बाइक नहीं है या कार वगैरह नहीं है, तो आप लोग रेंट पे लेके एक तो पूरा पटना एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आपका कोई काम है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे ऑटो या जो ओला कैब वगैरह होता है तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लाइक बार बार बुकिंग करो, फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो बेसिकली अगर आपको घूमने पर्पज़ से आना है और आपको ज़्यादा जगह पे अप डाउन करना है तो अच्छा होगा कि आप लोग जो है वो जैसे बाइक रेंट कर सकते हो या सेल्फ ड्राइव कार रेंट कर सकते हो। तो वो कहाँ से मिलेगा यही हम लोग जो है वो आज वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं और सारा जो डिटेल होगा इसका वो हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग के एंड तक। जो भी डिटेल्स होगा, क्या उसका एड्रेस है, कहाँ से आप लोग को ये मिलेगा, ये सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे, तब तक रास्ते के कुछ व्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाके उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। हाय दोस्तों, हम लोग यहीं पे जो है वो आ जाने वाले थे और यहीं पे आपको वो इंडिकेट कर देंगे कि आप लोग कहाँ से आके बाइक या सेल्फ ड्राइव जो कार है वो आप लोग आके रेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पहले लोकेशन इंडिकेट कर देता हूँ। अगर आप लोग पटना जंक्शन पे आओगे तो डायरेक्ट आपके राइट में ये चीज़ पड़ेगा, अगर आप लोग पटना के साइड से आते हो तो आप लोग को जो है वो ये लेफ्ट में पड़ेगा। तो और पीछे हम लोग देख सकते हो आप लोग, महावीर मंदिर है और इस तरफ जो है वो ये पटना जंक्शन का मेन गेट है। ठीक है, तो आपको मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि आपको आना कैसे है वैसे दोनों साइड से। तो ये आपका हो गया पटना जंक्शन और हम लोग इधर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट में पड़ेगा हम लोग का ये चीज़। और हम लोग ये लेफ्ट में आपको ये कॉर्नर के साइड में दुकान पड़ेगा जहाँ से आप लोग रेंट ले सकते हो, बाइक भी ले सकते हो, कार भी ले सकते हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रह चुका है यहाँ पर लेने का, बाकी आप लोग अपना भी देख लोगे आके। काफ़ी सुलझे हुए इंसान है जहाँ से आप लोग आने वाले हो।
ये स्कूटी आप ही लोग गए ना सर? हाँ हाँ। जैसे ये पहला तो ये स्कूटी आपका हो गया, पीछे बाइक भी है, अभी निकला हुआ है हेलमेट दिखा दीजिए। वो हेलमेट भी आपको जो यहाँ पर मिलेगा, तो यही है यहाँ के ऑनर। और आपको इन्हीं से आके मिलना होगा, अगर आपको बाइक या सेल्फ ड्राइव कार अगर रेंट लेना होगा तो आइए इनसे बात करते हैं। जो डिटेल है, जो आपके काम का चीज़ है, वो आपको बताने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार। और ये आप कब से शुरू किए हैं काम? लगभग 9 मंथ हो गया। 9 मंथ हो गया। तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस, जैसे आपको कोई दिक्कत रहा होगा आप लोग यहाँ पे आए होंगे तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ था शुरू में। स्टार्टिंग में बाइक सेल्फ यूज वाला नहीं था, अभी 2-3 मंथ पहले हम इसको स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं मिलता था। जैसे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था अगर हम लोग बाहर से आते हैं तो बाइक कहाँ मिलेगा, कहाँ पे सेल्फ ड्राइव कार रेंट पे मिलेगा, तो वो सब चीज़ नहीं था पटना में। तो हमको लगता है ये चीज़ आप लाने वाले पहले इंसान है यहाँ पे। हाँ, पटना में था बट बंद हो गया था, पटना में था। अच्छा, ये जो आपका काम है इसमें क्या रिस्क वगैरह आप लोग को देखना पड़ता है? लाइक इसमें देखना चलता है कि जो पार्टी बाहरी से आता है कैसा पार्टी है, क्योंकि पटना में आजकल देख ही रहे हैं गाड़ी लेता है लोग फरार हो जाता है, इसी के चलते पटना में नहीं आया था सर्विस। अच्छा, तो आप लोग जैसे अभी किस किस चीज़ में डील कर रहे हैं, मतलब क्या क्या रेंट पे आप लोग दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं रेंट पर बाइक दे रहे हैं, सेल्फ यूज कार दे रहे हैं। ऐसे भी कार जो चाहिए आपको मिल जाएगा, ड्राइवर के साथ भी मिलेगा, सेल्फ यूज में भी चाहिए, बाइक मिलेगा तो बाइक भी चाहिए। अच्छा, तो बाइक में क्या क्या सेगमेंट है? बाइक में है स्कूटी है, बाइक है, स्पोर्ट बाइक है। स्पोर्ट बाइक है तो लाइक जैसे आपका बुलेट हो गया, बुलेट भी होगा ये आपके पास? बुलेट है बाकी। हाँ, बुलेट है। स्पोर्ट्स बाइक भी होगा आपके पास? बुलेट है। स्कूटी में लगभग सारे एक्टिवा, एक्टिवा है, एंटॉर्क है। हाँ, तो लगभग आपका जो बाइक वाला सेगमेंट है या जो स्कूटी वाला सेगमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है प्राइस में? प्राइस में देखिए, हम लोग सबसे मिनिमम प्राइस रखे हुए हैं 500 दिन भर का। और कोई एक सप्ताह के लिए लेते हैं तो उनको 350 रुपया, अगर दिन भर के लिए लेते हैं 12 घंटा 14 घंटा उसको 500 रुपया प्लस फ्यूल रहेगा इस एक्टिवा ये सब का, स्कूटी या बाइक का। तो मतलब जितना लंबे समय तक के लिए लेंगे रेंट उतना कम हो? हाँ, कम हो जाए। अच्छा, तो अगर हम लोग प्रूफ का बात करें तो क्या प्रूफ देना पड़ता है? हम लोग प्रूफ देते हैं आधार कार्ड, और यात्री अगर कहीं से आते हैं तो उनके पास टिकट है तो टिकट ले लेंगे, या नहीं है तो कोई DL ले लेंगे। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे कोई रेंट लेने के लिए आएंगे तो उनको यहाँ का एड्रेस रहना जरूरी है या फिर वो बाहर के भी होंगे तो चलेगा? नहीं नहीं, कहीं का भी रहें चलेगा, खाली उनका आधार कार्ड और रियल होना चाहिए जरूरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग कार का सेगमेंट में, तो उसमें क्या क्या आप लोग डील करते हैं? जैसे देखिए सेल्फ यूज में कोई सेल्फ ड्राइव में, हाँ सेल्फ ड्राइव में कोई कार लेते हैं तो उनका दिन भर का है 2500 रुपया CNG गाड़ी देंगे। CNG गाड़ी रहेंगे, पेट्रोल का भी गाड़ी रहेगा, दोनों गाड़ी रहेगा 2500 रुपया प्लस तेल जितना अपना चले। अगर ड्राइवर के साथ लेते हैं कहीं जाने के लिए तो जो गाड़ी खोजिएगा वो गाड़ी मिल जाएगा मेरे पास। 12 रुपये किलोमीटर है छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी 15 रुपये, इन्नोवा क्रिस्टा 19 रुपये, मैं सभी तरह का। अगर चाहें तो सेल्फ ड्राइव करके भी जा सकते हैं और ड्राइवर चाहें तो ड्राइवर भी ले सकते हैं। हाँ, ड्राइवर ले सकते हैं। और बाकी जो आपका जो एड्रेस होगा, जो नंबर वगैरह होगा, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। नंबर है 8809514264 और डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ऐसे भी पहले भी मेरा लोग से हो गया बातचीत, नंबर हम भी कोई ना कोई वीडियो देख के ही और आपसे हाँ। मेरा एक्सपीरियंस रह चुका तो हमको भी लगा कि जो मेरा व्यूअर्स है उसको ये चीज़ मिले, क्योंकि जैसे हम लोग को प्रॉब्लम हुआ ढूंढने में वैसे और भी किसी को हो सकता है। नहीं तो पटना जंक्शन गेट नंबर 2 के सामने एकदम ऑफिस मेरा है, रवि ट्रेवल्स, झंडा के सामने एकदम मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने। सारा वैसे जो एड्रेस है वो हम इंडिकेट कर दिए हैं कि कैसे कैसे आना है, बाकी जो आपका नंबर होगा, जो आपका एड्रेस वगैरह होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल ही देंगे। वैसे काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है, क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी बार जैसे कार भी हो गया या स्कूटी वगैरह भी हो गया तो ये हम लोग रेंट पे ले चुके हैं, क्योंकि मेरा काम भी होता है वीडियो बनाना और हम लोग को भी जहाँ जहाँ जगह जगह जाना होता है तो हम यहाँ से ऑलरेडी ले चुके हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। आप आओगे आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको जो है वो गाड़ी का चाबी आपके हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि आपके पास एक कोई भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, लाइक DL होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब कुछ भी एक प्रूफ आपको यहाँ पे जमा करना होगा। और जब आप लोग यहाँ से बाइक लेके जाओगे तो आपका बाइक के साथ जो है वो आपका फ़ोटो यहाँ पे लिया जाएगा ताकि ये प्रूफ रहे
कि आप यहाँ से बाइक लेके गए हो और इस तारीख को लेके गए हो, तो वो सारा डेट वगैरह आपके रिसिप्ट में मेंशन होगा। अगर आपको लाइक जैसे कभी हम लोग बुकिंग जैसे करवाते हैं, मान लीजिए 2 दिन का बुकिंग हम लोग करवाएं और हम लोग को कहीं मान लीजिए टाइम लग गया, हम लोग एक्सटेंड करना हो, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है फोन करके? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है, आना जरूरत नहीं है, कॉल पर भी बुकिंग ले सकते हैं हम लोग, बस व्हाट्सएप भेज दीजिए अपना डॉक्यूमेंट, आइए बाइक ले लीजिए। हाँ, तो मतलब जैसे आपका डेट जैसे एक्सटेंड करना हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है? हाँ, पॉसिबल, और आसानी से आप लोग वो चीज़ करवा सकते हो। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जैसे आप लोग पटना आते हो टूर के लिए, जगह जगह घूमते हो ऑफिस पर्पज के लिए भी, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये जो है वो एक तो थैंक यू उनको बोलना चाहिए कि इस तरह का चीज़ वो लेके यहाँ पे आए, क्योंकि ऐसा चीज़ आपको जल्दी मिलेगा नहीं पटना में, शायद ही कहीं पे ऐसा आपको मिल सकता है, एक दो हैं भी, लेकिन उनका चार्जेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम लोग वहाँ से भी रेंट ले चुके हैं और यहाँ पे भी, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम लोग एक्सपीरियंस मिला। और हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे आओ, जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो आपको ऑलरेडी दिखे गया होगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप लोग देख लिए होंगे, तो आप लोग आओ और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है फिर आप लोग आके कमेंट में बताओ। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जो है वो गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का वीडियो ये होगा, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो चीज़ है वो सबको पता चले।